professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic CSS fonts. Previously I have discussed about text, CSS text. In this session, I'll teach you about how to set fonts of a content available in an HTML. We are talking about the HTML web pages. Okay? So you can set the font properties of an element. मतलब कुछ भी चीज़ का font हो, text हो, color हो, हम क्या करते थे properties में जाके उसको change करते थे. उसकी कुछ properties होती थी. ठीक है, जैसे द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द फेस ऑफ द फॉन्ट. हम उसको क्या फेस फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं. फॉन्ट स्टाइल क्या करता है, ये यूज टू मेक अ फॉन्ट इटैलिक और ऑब्लिक, जो मीन्स किस स्टाइल में हमें रखना है. फॉन्ट वेरिएंट मतलब इज यूज टू क्रिएट अ स्मॉल कैप्स इफेक्ट. अब फॉन्ट वेट की बात करते हैं तो this property is used to increase or decrease how bold or light a font appears. Font size की बात करें तो property is used to increase or decrease the size of a font. तो जो font property is used as shortened to specify a number of other font properties. Now come to how to set the font family. Now you see in this coding what I write here, P style equals to font family Georgia Government Serif, means इनमें से आपका कोई भी font हो सकता है. So this text is rendered is in either Georgia Garmont or the default serif font depending on which font you have to you have at your system. मतलब depend करता है कि आपके system में वो कौन सा font है तो वो बता देगा. तो इसके लिए आउटपुट क्या हो जाएगा, दिस टेक्स्ट इज रेंडर्ड इन आइदर जॉर्जिया गवर्नमेंट और द डिफॉल्ट सेरिफ फॉन्ट डिपेंडिंग ऑन विच फॉन्ट यू हैव टू और यू हैव एट योर स्क्रीन. ओके, अब हम बात करते हैं फॉन्ट स्टाइल की. तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, मतलब आपका जो फॉन्ट है वो क्या करके इटैलिक स्टाइल में आपका वो दिखेगा. ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या हो गया, ये इटैलिक आ गया. जैसे दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड इन इटैलिक स्टाइल, राइट. आप फॉन्ट वेरिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल होगा या स्मॉल कैप्स, या कोडिंग क्या हो गया हमारे, देखो फॉन्ट वेरिएंट स्मॉल कैप्स, हम चाहते हैं सब स्मॉल कैप्स में हो. तो दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड एज स्मॉल कैप्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है, वैसे भी ये सारा स्मॉल कैप्स में ही है. ठीक है, अब सेट द फॉन्ट वेट. वेट में क्या आ जाएगा कि आपका फॉन्ट वेट बोल्ड है, बोल्डर है, वेट इसमें 500 मतलब दे दिया. तो सिंपल से अगर दिया है बोल्ड तो दैट मीन्स दिस फॉन्ट इज बोल्ड. अगर आपने हाइट भी उसके साथ लगा दी तो दिस फॉन्ट इज बोल्डर. तो फॉन्ट वेट अगर 500 दे दिया, दिस फॉन्ट इज 500 वेट, उसका 500 वेट होगा. तो देखो इसमें आउटपुट क्या आ गया, दिस फॉन्ट इज बोल्ड, बोल्ड दिख रहा है आपको, दिस फॉन्ट इज बोल्डर, दिस फॉन्ट इज 500 वेट. अब हम बात करते हैं सेट द फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज कैसे हम सेट करेंगे, तो कुछ नहीं है, इसमें HTML में गए, हेड में गए, और ये तो खैर ठीक है, बॉडी की बात है. तो मेन उसमें क्या लिखेंगे, स्टाइल कौन से अपनाना चाह रहे हैं, और स्टाइल इक्वल्स टू फॉन्ट साइज जिप, जो जिप सॉरी बोल रही हूँ, 20 pixels. ओके, तो दिस फॉन्ट साइज इज नॉट पिक्सल्स, ये सब पिक्सल्स नहीं होते. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि फॉन्ट साइज स्मॉल, सब चीज़ें हमारी बहुत ही छोटे उसमें आ जाएंगी. ठीक है, स्टाइल की बात करें तो फॉन्ट साइज लार्ज, दिस फॉन्ट साइज लार्ज, टिपिक इसमें आपने को फिर
पैराग्राफ क्लोज कर दोगे, बॉडी क्लोज कर दोगे HTML, तो आपका आउटपुट क्या लिख के आएगा, दिस फोन साइज 20% पिक्सल्स, दिस फोन साइज स्मॉल, आपको स्मॉल दिख भी रहा है ठीक है, ये बड़ा दिख रहा है, दिस फोन साइज इज लार्ज ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट द फोन साइज एडजस्ट, कि हम एडजस्ट कैसे करें फोन साइज को, डेमोन्स्ट्रेट ऑन हाउ द टू सेट द फोन साइज एडजस्ट और ऑफ एन एलिमेंट, दिस प्रॉपर्टी इनेबल्स यू टू एडजस्ट द एक्स वेट टू मेक फोन्स मोर लैंग्लिजिबल, पॉसिबल वैल्यूज कुड बी एनी नंबर, जैसे हमारा हो बुक रिटर्न हेड्स, पहली बात तो बुक आपको इशू होती नहीं है तो ठीक है, तो इसमें HTML हेड और बॉर्डर है HTML फोन्स सॉरी स्टाइल फोन साइज एडजस्ट ठीक है। तो दिस फोन दिस टेक्स्ट इज यूजिंग अ फोन साइज एडजस्ट वैल्यूज, उसने कुछ वैल्यूज दे दी गई हैं और ये चीज़ें जो वैल्यू दी गई हैं वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, जैसे दिस टेक्स्ट इज यूजिंग फोन साइज एडजस्ट वैल्यूज। अब हम बात करते हैं सेट द फोन स्क्रैच, फॉलोइंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ टू सेट द फोन स्क्रैच ऑफ एन एलिमेंट, दिस हमें उस पर मिल क्या गया कि आपको जो यूजर्स कंप्यूटर है टू हैव एक्सपेंडेड और कंडेंस्ड वर्जन ऑफ द फोन बीइंग यूज्ड, जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो पहले इसको सर्च कर लो कि वो आपके सिस्टम पे है भी या नहीं है, ये आपके देखो कोडिंग देखो इसमें स्टाइल क्या लिखा है, फोन स्क्रैच अल्ट्रा एक्सपेंडेड, तो ठीक है तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ये जो हमने यहाँ पे लिख के दिया है। बात करते हैं हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी की, तो यू कैन यूज़ द फोन प्रॉपर्टी टू सेट ऑल द फोन प्रॉपर्टीज एट वंस, एग्जाम्पल HTML आर हेड, मतलब ये अपनी बॉडी स्टार्ट हुई है और फोन इटैलिक होना चाहिए, स्मॉल कैप्स होना चाहिए, 1.5 पिक्सल्स जॉर्जिया होनी चाहिए ठीक है। तो ये आप सारी जितनी प्रॉपर्टीज हैं आप इसको करके देखो, तो हो सकता है आपको ये जो है अपनी कोडिंग है ये बार करके देखेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगी, बाकी तो फिर आप मजदार ही ठीक है, तो ये आप करके देखना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन, दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 रहती विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, होप यू आर सेटिस्फाइड विथ माई सेशन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट, थैंक यू।